तेरे हाथ भीतर बेहतर है, तुम फौरन अदा कर लो वरना देर से नहीं अदा कर लो वरना तेरे को सवाब क्यों गिलने का जाने लगा कि तो हम जी पत्तियों ने की जाया था ना बस वो कोई जरा सी एहतिमाम करा हे मिलून को नहीं खुला को नहीं बल्कि मोतरतिल अंदाज भी था यानी वकड़े दो ने अलग अलग अंदाज भी था रोका मन से कोई इसी बल्कि मोतरतिल अंदाज भी था यानी अंगठियों भल्ली शिकोर हो बस मन से इसी करता जरूरा से तिबला हरी जरूरा झुकुन लोग का संगठन कोई कौन है तिबला हरी जरूरा झुकुन असले कई लोग तरह से ले यह असले को पहलो असले स्टेप बोला भी क्या है क्या जब तक बोला ये मिस्टर कब ना बैठ लो ये अक्षर बोल चला था क्या तुझे ताकि सब ना एक सम्मत गलो इस्तेजाब पैदा हो लेकिन आप क्लासिक मोना कौन से सम्मान पंचन हो जाना कि नीचे बला ना हो पाएगा किसी ने तो हाथ किसी है इतना समझ लो पिघला हाँ इसी जरा सी अगर को भी ओपन को रहो जब बल्कि मिल उनको बल्कि जरा मत के बराबर लेकिन हमेशा को ना से पास ना इंशाल्लाह ये जो होता एक तरीका नियत असले कल दाम का मसाइल का मैं कहेंगे कि उन है हम चल मसाइल संकलेंगा मौका है किराब मटे दिना बराबर नियत को बस हे एक गलती आमी तकबीर होगा बस मचे इमाम अपने बाउंस होगा तकबीर होगा नमाज का जाना नमाज का बाकी लगा के जो कौन इमाम अपने से ले तकबीर होगा बंदा तसो इमाम बल्लम बताए तो जो कौन तो पहले बराबर कर रहा है तशी कुल्लो कल के लोग बल्ली मिलन ना यंग बच्चों दरबार टिकला भी मोड़ पहली ना पहली चढ़ाव दर्श के ही कैफियत असल में नौ चीज पहली देव हाथ बंद अल्लाह अकबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना करी हे जो बंदे एक एक तक बंदा रहा करो कक्का मंचे बंदा बंदा कोई इसी निके निके मंचा कोई कल्ला तले मंचे ना कल्ला तले छोड़ा ते शायद ते जो हिसाब करना निके निके मंचे इसी बात कोई इसी कोई अलग अलग अंदाज की तरह बंद का है जो कुछ घट्टा ये हम सब घट्टा से ले खाते भी के ऊपर रहो का अन्य दो या तीन अंगठियों ऊपर रहो बाकी का जो इत्तेमाम सुन्नत तरीका से ले इसी असल में करो सीना से करीब असल में रहो का बल्ले अगर हमने की ओटे दिन खाल कर होता बिन पर खाल कर होता अगर ये करीब सीना से करीब असल में हाथ रहो का वो इत्तेमाम को गलत भी वो जो कुछ हथेली इला अंगठियों ऊपर बातें तक करूं एहतिमाम से खुशी होगा और एक तरह का दुआ हे नौजवान का खुशवानी हे जरा पैदा होगा सर अपनी नजर की भली हिफाजत होगा हद इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहने का सकली नौजवान नजर सजदा सजदा की करता तीना से ले सकली आखिर से बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हमजा जे हमजा ऊपर अंगठी अपनी नजर ले आखिर से नजर ले अतहियात आखिर से नजर ले अंगठी ऊपर नजर होगा इबला हरी असल में मुकम्मल रूप में होगा अनि पाय असल में जे कौन क्या मी हालत उबे रहता पड़े ती हालत देख कर उबर होगा ये हालत के उबर होगा असल में ये है जो पर कहने अगर तक्का पर भी पड़े पड़ जंतु वजीरियत लेवी तब वस्तनावादी और अल्लाह हनीफ मुस्लिमों व मारे में मुशिकीन इन सलाती व नुसुकी व मुहिया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिदालिक उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन ये जो उनके सहवजातु या सना का पढ़ना हो सके चार पांच दुआएं मौलाना तर्दस के रखे हैं किताब अंतर मुझे किताब अंतर पांच दुआएं हैं अपने ये पांच दुआएं को हम चोले माते ने सम्मान दो ये पांच दुआएं को ना डर अवामा एक दुआ डर है माँ को एक दुआ डर है तो कमाल हो ऐसा जो अटो दरोसो तरीका का आसान तरीका हर सुन्नत ना उजे एक एक पढ़ा कितना डिस होते वरना हम चेस ले को आधा का पहले कौन सा डिस है अगर पढ़ना प्लान जो आसान तरीका हो और पांच दुआएं तक किसी पढ़ते लो इमाम अटेंडर में हाँ
ही मुश्किल मत जाते दिखा मुझे पर अपना ये एक कस पड़ जाए लेकिन एक लोग मानुस पढ़ता नमाज कितना की दुआ पढ़ता हूँ कितना की दुआ अटो को रही अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत पर अमल को जरूर ये जो बंदे वजह को अच्छी है जो कहते हैं हालांकि सुन्नत ना जिनको पढ़ो बस लेकिन इनका का हाल हल हमको असल में पराव पढ़ना गनीमत आज के जमाना भीतर या कुल्ला पढ़ना ना गनीमत बहरहाल ये अगर पढ़ता तभी पढ़ ले इनके पास मन चाहे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता तभी इतमिनान खुशू खुजू से रखेगा 55 तो बोलते हैं कि हालत में नमाज करते हो अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला ये कि असल में शिकला नमाज आता दरबाशी इस्तेहजाब से नहीं कहला था कि तू गलत मान लेता है हां ए इंतर हाल बस एकदम शी करता क्या था हाथ समझ तक इतना है अपनी नॉर्मल हालत भी तब लोगों का से वो हाथ इसी आवाज કેકા દુસરા મી કોઈ તકલીફ કો જોને છે નાઉ કે ઉપર અને મેરો નો બેરો છે હેજી જો મોતી ફઝિલત હદીસ પાક કે તમે દેવ પ્રવચન હે કેકા દિલ અસલ કે કામ તફરબે જતા દિલા તક અદાવત દુશ્મની પેદાતા અગર સફા દર બને કાર અલ ટાવર અલ તસો હેજો કો ઇમામ રોકસ પહેલા કે માનુસ નાઉ કે સો હર ચીજ સો આદાબ સો ઇમામ કે લો નાઉ કે તે કઈ તો ખુશુ પેદા તે મત સુરે ફાતિહા પડતા માનુસ પડ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله سامن پڑے گا اعوذ بالله کہ جو اہتمام ہم چنا ہو جیسے وہ جی حالت مار کرتا تا سو ہم چے کا کا پر ہوتا پہلی رکعت دے کرے اہتمام کروں گا اعوذ بالله سو دوسرے کا تے پڑھنا ہے حرکت ہے لیکن پہلی رکعت دے اندر جے کسی وجہ تو جائے اعوذ بالله پڑھوں گا سر کہ کا شیطان کسی نہ ہو جو اوپر حملہ کرتا موجی نہ ہو جیسے حالت مار کرتا जे केटला आठवला ना जे किसी तक पेरवला पंगे पूरन ते पूरा प्लानिंग अटल तासो औस बिल्ला पडला सो मेरा मुका नमा अरे पल्ली को एदा दो मतो पडा औस बिल्ला शैतान किसी हमला करता जे कोते तरतियाता जमाना दिशिस शैतान को तरती करते गलत हमला कब चलता असे इत्तेमाम से ही हर रकात इंतर लेकिन पहली रकात है आकर बाकायदा सुन्नत मुअक्कदा हे जो औस बिल्ला पूरे इत्तेमाम से ही पढ़ता है بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اگر سورة فاتحہ صحیح پڑھ لائے تو نماز پڑھ لائے سورة فاتحہ میں التحیات ایجی ضرورہ برابر غلطی زونے جائے سمو حسن لے درخواست کرنا اگر غلط پڑھتا ہے یا کنتوں کمی ہے تو خود نہ زو ایک ہوا ایک در سورة فاتحہ ایک ہوا کہیں جب تر مجھے بے عزتی زانا ہے مجھے کہیں وقار گرنا ہے میں مجھے عزت بھی تر کنیوں کمی ہے اپنے علماء جے کو نہ دمیا صلی اللہ تمی لگن اٹھے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور ایک ہوا پورا اہتمام سے صلی اللہ ایک اونچی کوشش کر تو ولد دونین بن لے چڑھ لو اٹھے اس کل امین سو آواز دے चढ़ में ना है तेरे आमिन चा आवाज का खत्म था बस बोलता मिसगता तफू पढ़ता था ना हनफी मिसगत की नमाज पढ़ो लंदर तुम्हारे रहती मरकज रहा चढ़ में ना है शकीन वक्त चुप ही रहता क्यों तो असल हनफी मिसगत की नमाज पढ़ लंदर ये आमिन ची फजीलत नहीं कम ना तो दुआ जे किसी बोलो तो नहीं पढ़ लो इमाम तेरे आमिन बोलो का शिकात का मलाइका को आमिन बोलता अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशारत तेरे पर है मामूली चीजों लगता है जे कोनाचे आमीन आणि मलाइकाचे आमीन का सही सही झाली वो फिर लहु मा तकदम मिन जंबे का बशारत पलत में अल्लाह के रसूल का बोले पटले तमाम गुना माफ कर आमीन बोला आमीन का है इस तजी अल्लाह का मुजीब दुआ कबूल कर इस सूरह फातिहा अपन ओनली दुआ कौन क्यों है इस सूरह फातिहा अगर हमचे हाथ भी तक कबूल करी तो हमचो बड़ा पार हो तासो से आमीन को इत्तेमाम से केगा अबू दाऊद जी बकायदा रिवायत देता मस्जिद नबी का सच जतन से लग जाता सच सभी मिसगत मिसगत असल में पूछती होती के जन आमीन से आमीन मुअतदी अंदाज में यहां को आमीन का मजाक नहीं खेल रहा बल्कि एक अहमतरीन जो है अल्लाह मुजी की जो पंक्ति सुरे फातिहा से दुआ से कबूल कर है जो ओनली दुआ बोलते हो जैसे जवक सके ना कि दूली तो मैं दसो आमीन को इत्तेमाम से हमचे बोलना गुरबानी साहब एक पलते होते शायद क्यों ये हदीस है तब हम रब बस्तर भी ये का क्यों का ये था ना हमचे बोलना असल में हमेशा का ताकीद करते थे वलदान रब बस्तर के आमीन पढ़ो लेकिन हदीस में फिर क्यों बोलो क्यों बोलना बरला लेकिन हदीस क्यों ये साबित ना
मौलाना जो है इमाम साहब का ताकीद करते हैं अफजल असली इसी बाकायदा पर पेश कर लिए आमीन पढ़ जरूरी कहना है अगर आमीन आमीन तस्वीर इमाम से एक अहम तरीन दुआ मांगते और डे ही दुआ अल्लाह कबूल करूं मुझे हक पितर दुनिया व आखिरत की कामयाबी तक ये जुड़ी तक पले बस आमीन एहतिमाम से रहे सिले कोई की कोशिश करो बस अब इतना इमाम पढ़ लें क्या सकले जाल लें एक तो तर्जन आमीन एक तो हर्जन आमीन एक तो हर्जन बल्कि जे कितना इमाम पूरा बोलो तो नीक पढ़ लो समझो एक सही असल में आमीन देखो मुअतदिल आवाज की तरह ही नियत से असल में पढ़ो दरवाशी पढ़ा लेकिन इत्मीनान से एक कुरान मजीद अल्लाह सो कलाम में असल में मुझे थोड़ी पढ़ते होते ये जरा इस्तेहजाब से पढ़ ले इंशाल्लाह आसान रहते वरना इस्तेहजाब हो चले मन उसका आदम नहीं शी पढ़ा पढ़ी शी पढ़ता तजवीद पूरा कर तो पूरा है तस वल्ली पढ़ना तो अनुकार करने में होता तकलीश पढ़ा लेकिन इत्मीनान से यानी सुकून से नहीं पढ़ने की कोशिश कर मसला रुको बाढ़ नहीं असल में सीधा कभी पाठ उठने कहीं करू सके ना
जो इमाम जर्रा हल्लू पड़ो चाले गलो मुतुमा गलो सज्जाद से इंतजार करते रहता दिया उसु ये टेकुन असले इंतजार करते रहता तासो से ले हिम्मत को करो से कहने दक्कन कस पड़ो कई इमाम को असले और वरना गुनेगार समझे इमाम को दफड़ता मा कहेगा तासो असले ये जो एहतिमाम शरीफ का पड़ जाए रब्बा लकल हमद हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी ठीक हुआ पड़ी इतना सीधा उस जो तरीका नीचे तक तुम्हें सम्मान से ले बिल्कुल गलती का सम्मान पड़ेगा दोन घुटने तरीका असल में हम चेंग का पहला बेस्ट है बेस्ट पहला पड़ा इसी वजह मंचा को बंदा मी दिमाग से नहीं तो तरीका कि का धक्के में आदि वाले थे बस बराबर हो सकता वो तरीका से फिरता कि चलो आज तो इंशाल्लाह हमेशा मत्ता से इसी तरह उसको बस का इंशाल्लाह वो तरीका से ले ते मन ऐसा ही तकल तो एक तरीक पांच पटर मोड़ने ये वड़ने गलती है धा अंगड़ियों को बाकायदा से है इमाम से मोड़ दो इल्ला कि कैन बीमारी आया अंगड़ा पास मतलब परेशानी आता मोड़ सके ना के क्ले जाता हमी अपने मुकल्लफ बाकी अल्लाह माफ कर भाई मोड़े कस ने पास पूछे किसी किसी तरह होता या तरी इसी एकदम अंगड़ियों पूरा इसी तरह होता या एक अंगड़ी धर ले बल्कि था अंगड़ियों का असल पूरा इहतमाम से असल मोड़ने की कोशिश करा मोड़ू का बाकी है धरोचन रहा ये गलती है धरोता सिर्फ इसी का होता ना बाकायदा असल था अंगड़ियों का असल पायाची मोड़ू ना असल बाकायदा इहतमाम से असल करो का दूसरे इधर रुको के नाम के हाथ जो उठे से हाथाची अंगड़ियों बंद रखो बंद असल में रहो का अनि खेजे समय अपने खांदा समय असल टेकले रहो अनि जरा से असल क्या करो का एकला से एकदा के बोकड़े पी अधिसेम देता एक बोकड़े पीर वसू पर कोई भी हम पल्ला था ना एक मिसाल ले ले अल्लाह के रसूल दरवा शीशी क्या करो के का अबुली वाटे तरह से लेकर उच्च मिला सतर पल्ला तो मियां आप जैसे के क्रो फोका हम चल मुकम्मल सतर अबुली मिलो ना से हाथ दरो थी इंगा से लेकर ओपन इसी दरवा शीशी एक तो कोई सुन्नत ऊपर अमल करते बस होता गस पात रहे पेशानी दोन घुटने दोन पायांची अंगड्याचे पुरे सात चीजों लागूचे फर्ज अगर ही सात चीजों जमीन में लागल है तो सज्दा जाल है ते नमाज के लिए एक नमाज के लिए तरह के दो लाजा फंक्शन के हम ते सा हसो एहतिमाम से ये पांच चार अंगड़ियों बाकायदा इसी मोड़ का यानी बिजक बीमारी है गैप धर्मेश है मिलो धर्म ये जो करते हैं अंगड़ियों इसी पूरा एक तरह इसी भी मिलो धर्म पांच बाकायदा जो कि शुरू कर ले तो गैप असल है बाकायदा रहो नसल है दूसरे एक रहता सज्दा बड़ गुस्सो सज्दा रहता तरबिया वगैरह करता था मची छड़ में किस तो लव के का जरा से आराम देता है हदीस में उधर था सेता सिद्धा के नाम एहसास होता बोझ पड़ लगा का एकदम धक्के से सिद्धा में एकदम रश होता खेला गिले एहसास जाऊं का के सिद्धा असल में करते होते बस कमजोरी सिद्धा पे जाता एकदम इसी मिलन बेस्ता याद था नकलो ही सज्जा को देख तो वो दुगा था पूरा होता है कितलो काम करता था मची चढ़ में असले नौजवान को करता बल्कि अभी है असले करता ना बल्कि इत्तिमाम से असले तेरे पूरे कर अरे पले पाइन पले जो मिलना है आगे जो पले पूरा आगे तो उसने आगे तो पूरा मिलन अच्छा किला रे क्या कम होता है इसी क्या कहलाते हैं फिर तो पहले ऊपर सज्जा तक गिला हाथ इसी तो गिला तो ये गलत बल्कि हाथ सीधा किबला या सल्ले बाकायदा रहो बस वो तरीका सल्ले अपना लाभ बल लेने के लिए ये तो बड़ा सज्जा तक का पड़ चुपड़ है कई बार ये सुनने तो पर अमल कर ला दास ने मुझे जो पढ़ बोलने ही दुआ सल्ले पढ़ ले तो मुझे यह का बोल चुके हैं तो मुझे का जलसा जलसा भी तरफ है दिमाग से बिजी कई लोग ना इसी को जाऊं सके ना इतने इस्तेजार ना फंक्शन कर चुने हैं बिजी चला का पढ़ चुके था पाल
لي واهدني وعافني ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني કેટલી દુઆ પલા એક એક માનવા પર તમે ગૌર કરે તમે માના છે ભલે તવીલ દતા કેટલી મુબારક દુઆ પલા રબ્બ ઇગફિર લી વરહમની વજકુરની વરફાની વરઝુકની વહદની વઆફની ઇસ સાત દુઆ ઉચ્ચ હક પિતર કબૂલ કરી તને ઉચ્ચ બેડા પારટ હતો મામૂલી દુઆ મે એક એક લફ્ઝ પિતર કેટલી જામે કરીમ લફ્ઝ હો એક લફ્ઝ રબ્બ ઇગફિર લી પડલા ના બુજી અમચી મગફિરત દરના અમચ મસલા પા કે મામૂલી કે સાત કલમા તમ કે સ્તેદાર બને અમે ઇસે પડલે રબ્બ ઇગફિર લી વરહમની બુલંદ કર અબુ હનીફા રહમતુલ્લાહ અલયહ નાઈ હે સુન્નત ના અમચે કા બકાય દા સુન્નત હે ઇહતિમામ સે લેકિન હે સુન્નત સજદા પડતલી જે કે તા ઇમામ સજદા પડતા જુમાય સા પડતા સૂર્ય સજદા પડતા સજદા તોડ તલી અસલી હે સુન્નત ના આદત હે તક અક્સર મંચે પે સ્તા સુન્નત ઉપર અમલ કરતા કરતા હું તરી તક પે સ્તા સજદા પડતલી કો બસ સજદા ઉગર તલી એ હે સુન્નત ઉપર અમલ કરતે બલકે ડાયરેક્ટ ઉપર આસ ચલો التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الذين قال أشهد أن محمد عبده أكثر لكن إنك أسألي بردتنا بل كأسألي تحيات بنت تكلاس أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد قال
मुंडे ने तीसरे का तो السلام عليك أيها النبي.